अयोध्या धाम में योगी कैबिनेट का जय श्री राम, मंत्रियों और विधायकों के साथ सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। पार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद, 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश के लिए छापेमारी, हिंसा के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच कर रही है पुलिस। पुलिस को धमकाने का आरोप, समाजवादी पार्टी नेता के भाई को किया गया गिरफ्तार। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। और बिहार की सियासत से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर, कल होगा फ्लोर टेस्ट, लेकिन जेडीयू की बैठक में 33 विधायक ही पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि फिलहाल सिर्फ 33 विधायक ही पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। विधायक डॉक्टर संजीव, अमन हजारी, मनोज यादव, दिलीप राय, बीमा भारती, सुदर्शन अभी तक बैठक में पहुंचे ही नहीं है, ये एक बड़ी खबर। जबकि नीतीश कुमार को कल फ्लोर टेस्ट देना है, और इसीलिए दोनों ही खेमों में अपने अपने विधायकों को एक जुड़ने की कवायद और बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी मास जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही, कितने विधायक पहुंचे हैं? अभी नंबर तो सिर्फ 33 नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार अभी बैठक में पहुंच चुके हैं। विजय चौधरी के आवास पर ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम विधायक और विधान पार्षद पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 39 विधायक अभी तक पहुंचे हैं, और जो नहीं पहुंचने वाले हैं उसमें जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव हैं, अमन हजारी हैं, मनोज यादव हैं, दिलीप राय हैं, बीमा भारती हैं और सुदर्शन कुमार हैं, जो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन विधायकों में भारी नाराजगी है, और यही वजह है कि ये विधायक अब तक यहां पर नहीं पहुंचे। हो सकता है कि कोई विधायक इसमें पहुंच जाए, लेकिन अभी नीतीश कुमार जब यहां पर पहुंचे हैं उसके बाद से बैठक शुरू हो चुकी है, और माना यह जा रहा है कि ये सभी विधायक नाराज चल रहे हैं, और यही वजह है कि ये विधायक अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले श्रवण कुमार अपने साथ 2 विधायकों को लेकर पहुंचे हैं, माना ये जा रहा है कि वो भी 2 विधायक नाराज चल रहे थे, यही वजह है कि उनको पहले अपने आवास पर बुलाए थे, उसके बाद फिर वहां पर बैठक हुई, उनको मनाने की कोशिश हुई, और उसके बाद फिर इन 2 विधायकों को लेकर श्रवण कुमार यहाँ पर पहुँचे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो हनक थी पहले, वो कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले पहुंच जाते हैं और बैठक में विधायक बाद में पहुंचते हैं, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं था। नीतीश कुमार के आने की सूचना जैसे ही विधायकों को, नेताओं को, विधान पार्षदों को मिलती थी, उससे पहले वो वहां पहुंच जाते थे।